आज हम बनाएंगे एकदम जालीदार काठियावाड़ी मेथी के गोटे। ये गुजरात में बहुत ही फेमस है और इसे गर्मा गर्म खाने का कुछ अलग ही मज़ा है। ये जल्दी से बन भी जाता है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले मेथी के गोटे बनाने के लिए एक पैन में 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1/2 टीस्पून काली मिर्च को अच्छे से सेक लेना है। ध्यान रहे इसे एकदम स्लो फ्लेम पे ही सेके, सेकने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब जैसे ही इसमें से हल्की खुशबू आने लगे हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और कोई भी मसाला इतना ही सेकेंगे कि आप उसे हाथों से आसानी से छू सके, और ये करने से आपका मसाला कभी भी जलेगा नहीं। अब ये मिक्सर को हम ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसे पीस लेंगे। इसे हमें रफली ही ग्राइंड करना है। अब इसे साइड पे रख देंगे और गोटे का मिक्सर बना लेंगे। उसके लिए लेंगे 1 कप मेथी, मैंने इसे चॉप करके वॉश कर लिया है। फिर 1/4 कप धनिया, फिर ऐड करेंगे 2 कप बेसन, हमें बेसन को छान कर ही यूज़ करना है। फिर लेंगे सूजी। सूजी से गोटे का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बढ़िया आता है, तो सूजी 2 टेबलस्पून लेंगे। फिर हमने जो मसाला बनाया था वो सारा ऐड कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सूट पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 टेबल स्पून शक्कर। शक्कर को ज़रूर ऐड करें, शक्कर ऐड करने से गोटे का टेस्ट एनहेंस हो जाता है। और लास्ट में स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स करते जाएंगे। पानी एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि अगर मिक्सर पतला हो गया तो गोटे अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ पे हमें बैटर की कंसिस्टेंसी मीडियम थिक रखनी है, और मैंने एक साइड तेल भी गरम करने रख दिया है। बैटर तैयार है और मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 3/4 कप पानी यूज़ किया है। आप ज़रूरत के हिसाब से पानी ले और कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसे रखें। अब जो हमने तेल गरम करने रखा है उसमें से अराउंड 1 टीस्पून तेल लेंगे और बैटर में ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे। अब जस्ट गोटे बनाने से पहले हम लेंगे 1/4 टीस्पून खाने का सोडा और उसके ऊपर 1/2 टीस्पून नींबू का रस, सोडा एक्टिवेट करने के लिए। अब इसे मिक्स कर लेंगे। बैटर रेडी है, तो अब मीडियम हाई फ्लेम पे हम गोटे फ्राई कर लेंगे। इसे फूलने पर हम इसे पलट लेंगे। ये फ्राई होकर रेडी है। ये हरी चटनी के साथ या तो फ्राइड हरी मिर्च के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और ऐसी ही अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।